आमतौर पर पुलिस अपराधी को गिरफ्तार कर, लेकिन खास तौर पर ऐसा होता है। हाजीपुर में लोगों ने मिलकर करीब एक घंटे तक एक पुलिस वाले को इसी तरीके से बंधक बनाए रखा। सुनंदन राय नाम के इस पुलिसकर्मी पर आरोप है कि ये बालू कारोबारियों से अवैध वसूली किया करता था। जानकारी के अनुसार पुलिसकर्मी को बंधक बनाने की घटना को अंजाम भी बालू कारोबारियों ने ही दिया। बंधक बना रखा है, कितने देर से यहाँ रुक रखा है? क्या बोल रहे हैं लोग? तो ये हाजीपुर में आपको यहाँ रोका गया तो सोनपुर थाने से है ना? अच्छा, किस बात के लिए इस गाड़ी को रोके थे? गाड़ी कुलवर से आ रहा था बालू लेके, अंदर लोड बालू था, चलान के साथ था गाड़ी। उसके बाद गाड़ी आ गया सोनपुर थाना, आ गया हाजीपुर में, गाड़ी रोक के कह रहा है कि चलान दिखा, चलान दिखा, चलान ठीक है 2000 रुपया ला, हाँ तो बेरियर पर ले चलो। तो फिर क्या हुआ, आप लोगों ने क्या किया? उसको पैसा दिए तो उसके बाद कह रहा है कि नहीं कि बेरियर पर पैसा ले लिया, उसके बाद कह रहा है कि बेरियर पर नहीं, बेरियर पर गाड़ी घुमा के ले चलना पड़ेगा। फिर पुलिस आई, क्या हुआ, क्या बोले? उसके बाद आया पुलिस, आया उसको रोक के रखे हुए थे। उसके बाद सोनपुर के थाना प्रभारी और नगर थाना प्रभारी आके आया, उसके बाद उसको छुड़ा के ले गया है। उसके बाद कहा एप्लीकेशन देने के लिए। क्या आप लोग एप्लीकेशन वगैरह दे रहे हैं? इस मामले में जब सोनपुर थाना के SHO वकील अहमद से हमारे संवाददाता ने पूछताछ की तो वो सवालों से बचकर निकल गए। क्या मिसअंडरस्टैंडिंग है? मैं वो थानेदार बताएंगे। सोनपुर का हाजीपुर छपरा NH-19 पर बालू से लदे ट्रकों का आना जाना लगा रहता है। बालू कारोबारी NH पर तैनात पुलिस कर्मियों पर अक्सर अवैध वसूली का आरोप लगाते रहते हैं। इसी कड़ी में बुधवार को मामला आगे बढ़ गया और पुलिस कारोबारियों के निशाने पर आ गया। हाजीपुर से संदीप आनंद की रिपोर्ट।